हेलो यूट्यूब व्यूअर्स एंड फेसबुक व्यूअर्स, मेरी ये वीडियो स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए है। जैसा कि स्टूडेंट्स आगाह है इस बात से कि उनके एग्ज़ाम्स मैट्रिक वाले एग्ज़ाम चल रहे हैं फेडरल बोर्ड वालों के, और फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ में स्टार्ट होने वाले हैं। तो एग्ज़ाम के हवाले से स्पेशली जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं काफ़ी बेचैन हैं, और बहुत से स्टूडेंट्स हैं वो जो चाहते हैं कि बस प्रमोशन हो जाए ऐसे ही, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं कि एग्ज़ाम दिए जाए। तो मैं अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू पेश करूंगा और गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करूंगा जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आइए जी बढ़ते हैं आगे। जैसा कि कल 28 जुलाई NCOC की मीटिंग होने जा रही है, NCOC की मीटिंग में क्या डिसाइड होगा ये तो कल ही फाइनल होगा, लेकिन जो मेरा ओपिनियन है और जो मेरी विश है, मैं चाहता हूँ कि एग्ज़ाम होने चाहिए, क्योंकि ये जो गैप है बच्चे एग्ज़ाम के बग़ैर प्रमोट हो जाएंगे तो ये गैप फिल होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, जो मेरा ओपिनियन है, खुदा करे कि गवर्नमेंट ऐसा ही करे कि अभी इसको पोस्टपोन कर दे, अभी तो एग्ज़ाम ये हो जाएंगे ना, ये जो मैंने पहले वीडियो में बताया था कि जुलाई में एग्ज़ाम तो नॉर्मली हो जाएंगे और अगस्त की 5 तक जो एग्ज़ाम्स हैं वो भी होपफुली हो जाएंगी, लेकिन 5 अगस्त के बाद चांसेस कम हैं। इसलिए बेहतर है कि गवर्नमेंट नेक्स्ट मंथ की एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन कर दे और वो लीजिए सितंबर की 20th के बाद जाके पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो कोई बात नहीं, जहाँ इतना वेट किया वहाँ पे 1-1.5 माह और वेट कर लें, तो एग्ज़ाम्स होने चाहिए। ज़्यादा चांसेस है गवर्नमेंट इसी पे ज़्यादा एम्फेसिस कर रही है और फोकस कर रही है कि एग्ज़ाम होने चाहिए। इसलिए स्टूडेंट्स आप ज़रूर मेहनत करें, और मुझे कुछ नहीं कहिएगा कि मैं इस हक में उनके पेपर होने चाहिए, मैं तो चाहता हूँ। बाकी दूसरा ऑप्शन ये भी है, ये भी चांसेस हैं, बट 40-50% चांसेस हैं कि गवर्नमेंट 9th वालों को और 1st वालों को एग्ज़ाम के बग़ैर ही प्रमोट कर दे। बट देखिए कल के डिसीजन में, कल अगर फैसला ना हो सका तो फिर 2-3 तारीख को अगेन मीटिंग होगी। बट मैं फिर रिकमेंड करूंगा और मैं भी अपना स्ट्रांग जो है वो ओपिनियन दूंगा कि एग्ज़ाम होने चाहिए, और स्टूडेंट्स तैयारी करें, आप ज़रूर एग्ज़ाम से गुजरें, और कोई बात नहीं गवर्नमेंट पोस्टपोन कर दे, बाकी देखें कल के डिसीजन में गवर्नमेंट क्या करती है। और फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़रूर जिन्होंने मेरी पहली वीडियोज़ नहीं देखी मेरे चैनल पर ज़रूर जाएँ, अरे बाबा बी कूल, आप यूट्यूब चैनल पर जाइएगा, लिखिएगा अरे बाबा बी कूल, तो ज़रूर आप फाइंड करें और मेरी वीडियोस को देखिएगा, और मैंने वहाँ बताया है। ज़रूर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा स्टूडेंट से भी कि ज़रूर मैक्सिमम लोग वैक्सीन लगवाएं, ताकि जितना जल्द ज़्यादा वैक्सीन लगवाएंगे और जितना आप इसके अलावा एहतियात भी करेंगे तो उतना जल्दी सब कुछ रिकवर हो जाएगा। और एक और ओपिनियन दूंगा अपना मैं, ये जो पेंडेमिक है अभी ये ख़त्म नहीं होगी, 2022 अप्रैल मई तक भी काफ़ी रहेगी कुछ मुल्कों के अंदर, जाके 2023 में चांसेस हैं ख़त्म होने के। बट खुदा पाक रहम करे जी, मेरी दुआ है कि खुदा आज ही अपनी कुदरत से इस बीमारी को का खात्मा करे, आमीन, खुदा ऐसा कर सकता है। बट बहुत सारे काम खुदा चाहता है कि हम भी करें, देखिए हमारी क्या जिम्मेदारी है। तो स्टूडेंट्स लेट्स सी कल क्या डिसाइड होता है, जो भी होगा चलिए गवर्नमेंट अच्छा ही करेगी, लेकिन आप लोग ज़रूर पढ़ते रहें और मेहनत करें, और ज़रूर आप लोग मेरी वीडियोस को आगे शेयर भी कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।